तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सीआरएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं आपके एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ने आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है, और इसके साथ ही अब जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मांग उठा दी है कि हमारे भी जो एग्ज़ाम हैं अन्य यूनिवर्सिटी की तरह दोनों मोड से करवाए जाएँ, स्टूडेंट को दोनों मोड से एग्ज़ाम करने का मौका दिया जाए। और इसके साथ ही आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर विकल्प दिया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट है एबीवीपी के स्टूडेंट है वो कुल सचिव से मिले हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पे उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा है, यहाँ पे देख लीजिए, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन पत्र। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय से ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो है मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर बताया गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी इकाई द्वारा कुल सचिव डॉक्टर राजेश बंसल जी को अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो दोनों मोड से करवाने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा है, क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की डेट शीट आ चुकी है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमित खैरी एवं सचिव पवन रेडू ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो या फिर पीजी के स्टूडेंट हो, उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है, जिसमें केवल ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा परीक्षाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से करवाने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग रखी है कि स्टूडेंट को कोई भी 5 क्वेश्चन करने के लिए ये भी छूट दी जाए। तो आपके जो कुल सचिव जी हैं उन्होंने यहाँ पे आश्वासन भी दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो स्टूडेंट की मांगे हैं उन पे जो है विचार किया जाएगा, उनको जो है जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो आपके लिए अब अपडेट अच्छी आ सकती है, लेकिन आप जो है अपनी स्टडी जो है रेगुलर रखिएगा, आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।